A card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards. From a well shuffled pack of 52 cards. From a well shuffled pack of 52 cards, comma, the probability of getting a red king is. The probability of getting a red king is option A, 1 upon 26. Option B, 1 upon 13. Option C, 2 upon 13. Or option D hai, 7 upon 13. Kaun sa sahi hai? Option A. ठीक है, क्यों? क्योंकि रेड कलर के किंग कितने होते हैं? दो होते हैं रेड कलर के किंग, और टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52, तो 2 अपॉन 52 क्या हो गया? 1 अपॉन 26. नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35. 35 में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल What is the probability of getting a tail on throwing an unbiased coin? On throwing an unbiased coin. Char options hai. 1, 0, 1 by 2. 1 0, 1/2 और 1/4 क्या होगा? 1/2, क्योंकि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल. गेटिंग अ टेल का मतलब क्या है कि, और अच्छा, और क्या दे रखा है? ऑन थ्रोइंग एन अनबायस्ड कॉइन, मतलब एक ही कॉइन को मैं उछाल रहा हूँ, तो एक कॉइन में क्या होंगे? दो ही तो आउटकम आएंगे, या तो हेड आ जाएगा या फिर टेल आ जाएगा. तो नंबर ऑफ आउटकम्स तो डिनोमिनेटर में आ गए 2, और टेल कितनी बार आएगा? एक बार टेल आएगा, तो 1/2. ठीक है, तो क्या हो गया? ऑप्शन सी, 1/2. तो मुझे एक क्वेश्चन में डाउट है. हाँ जी बताओ. सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है. अच्छा, अभी बता रहा हूँ, 2 मिनट रुकिए, अभी बता रहा हूँ. अच्छा सुनिए, क्वेश्चन नंबर 36 है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड ऑन थ्रोइंग एन अनबायस्ड कॉइन? 1/2 होगा, तो ये मैं छोड़ रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 37, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 इन थ्रोइंग अ डाई इज. ग्रेटर देन 2 वाले कितने नंबर है डाइस में? 4/6, मतलब 2/3 हो गया. अच्छा तभी बता रहा हूं, रुको. ये मेरे मेन नंबर पर भेजा है, दूसरे नंबर पर भेजा है, बताओ. ठीक है, मिल गया. अभी बता रहा हूँ, 1 मिनट वेट करिए बस.
अभी क्लियर दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। चलिए जी, तुम्हारा देखता हूँ क्वेश्चंस। ये दो क्वेश्चन तुमने भेजे हैं, ये क्वेश्चन नोट करें, इन क्वेश्चंस के से अलग है ये। समवन इज आस्क्ड टू टेक अ नंबर फ्रॉम, समवन इज आस्क्ड टू टेक अ नंबर फ्रॉम 1 to 100, आस्क्ड टू टेक अ नंबर फ्रॉम 1 to 100, फुल स्टॉप। द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम इज, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम इज, इसके चार ऑप्शंस हैं, 1/5, 6/25, ऑप्शन सी 1/4, और ऑप्शन डी है 13/50। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो किसी से ये पूछा जाता है, समवन इज आस्क्ड टू टेक अ नंबर फ्रॉम 1 to 100, 1 से 100 तक नंबर है, तो उससे बोला जाता है कि भाई आपको 1 से 100 के बीच के जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे के सारे सेलेक्ट करने। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं पहले तो ये देखिएगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 कौन कौन से हो गए? सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19, 23, 24, 28, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 57, हाँ नहीं, 57 19 के टेबल में आता है ना, 59, 59, फिर 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, क्या 87, 8/15, हाँ ठीक है, 87 हो गया, 87 नहीं हुआ, 89, 89, 90, 91, 92, 93, 93, 93 तो 3 के टेबल में जाएगा, 94, 94 तो आ ही जाएगा, इवन नंबर है, 95, फिर 96, फिर 97, ये हो गए भाई सारे के सारे प्राइम नंबर 1 से लेकर 100 तक। अब जरा काउंट कर लो कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, हाँ 90, 13 7 था, हाँ 97, तो कितने हो गए, 25, 25/100,
ऑप्शन सी 1/4। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है ये हो जाएगा 25/100। 25 1 25, 25 4 100, 1/4। भाई अब बुक तो तुम्हारे पास है, आंसर बताओ यही है ना। यस सर। चलो जी ठीक है, अगला देखते हैं आपका डाउट। कहां से लाते हो इतने खतरनाक क्वेश्चन। चलिए, अ डाइस इज थ्रोन A dice is thrown twice. The probability of getting 4, 5 or 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, 5 और 6 इन द फर्स्ट थ्रो एंड 1, 2, 3 एंड 1, 2, 3 और 4 एंड 1, 2, 3 और 4 इन द सेकेंड थ्रो इज। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, 1/3, 2/3, 1/3, 2/3, 1/2, 1/4। चलिए जी, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने। अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को दो बार फेंका जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, 5 और 6 इन द फर्स्ट थ्रो, पहली थ्रो में 4, 5 या 6 आना चाहिए। देखो अक्षत, मैं ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, लेकिन क्या होता है ना कि ये जो है ना, ये वाले क्वेश्चंस, देखो हमारा जो सिलेबस है, हमारे सिलेबस में क्वेश्चंस वो वाले हैं जिसमें डाइस जो है वो साइमल्टेनियसली फेंकी जाती है। ठीक है, साइमल्टेनियसली डाई फेंकी जाती है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, 5 और 6 इन द फर्स्ट थ्रो, मतलब एक ही डाई है उसको पहली बार फेंका जाता है तो उस पर क्या आता है, 4, 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, एंड 1, 2, 3 और 4 इन द सेकेंड थ्रो, तो सेकेंड थ्रो की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल अलग। तो मतलब ये हमारा मल्टीपल इवेंट्स का केस है। मल्टीपल इवेंट्स मतलब एक से ज्यादा इवेंट। हमारे जो सिलेबस है 10th का, उसमें क्या है कि हमें कॉइन भी अगर 2 या 3 कॉइन उछालने के लिए बोला जाएगा तो वो होगा साइमल्टेनियस टॉइन, साइमल्टेनियस टॉस। तो साइमल्टेनियस टॉस का मतलब क्या है कि दोनों को एक साथ उछाला गया। यहाँ पर अगर वो बोल देते कि डाइस को साइमल्टेनियसली फेंका जा रहा है तो फिर मैं इसमें केसेस बनाता कि पहले वाले डाइस पर 4 और दूसरे वाले पर 1, पहले पर 4 दूसरे पर 2, पहले पर 4 दूसरे पर 3, पहले पर 4 दूसरे पर 4, हम इस तरह से केसेस बनाते हैं। लेकिन क्या है, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं कि पहले एक डाइस को फेंका गया, फिर उसमें ढूंढा गया कि 4, 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जब ऐसे इवेंट्स होते हैं तो पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी अलग निकालो, दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी अलग निकालो और फाइनली दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये वाले क्वेश्चन ना 11th क्लास में है, तो ये इन्होंने गलती से डाल दिया इसमें ये क्वेश्चन। नोट करिए, इसमें क्या होगा, रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी है तो इसमें ये है कि पहली थ्रो में 4, 5 या 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/6, 3/6, क्योंकि 3 नंबर हैं और टोटल नंबर कितने आ सकते हैं उसमें, 6 मल्टीप्लाई बाई दूसरे में क्या हो जाएगा, 4/6, 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से 2 कट गया, रिजल्ट इज 1/3। ऑप्शन ए बताइए कौन सा सही है। ठीक यस सर, यही है। है, और क्वेश्चन छोड़ देना गलत लिखा हुआ है या सीबीएसई 2016, कभी नहीं आया। 2012 से तो मैं पढ़ा रहा हूँ, 2016 में नहीं आया ये क्वेश्चन। ठीक है,
ओके हाँ सर, इतना जरूर है 12th में आ गया हो या 11th में आ गया हो वो बात अलग है, वैसे ही इन्होंने डराने के लिए लिख दिया। चलिए जी अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में है, अ फेयर डाई इज थ्रोन वंस, अ फेयर डाई इज थ्रोन वंस फुल स्टॉप, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉम्पोजिट नंबर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर लेस देन 5 इज, लेस देन 5 इज, ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 1/6, ऑप्शन सी 2/3, ऑप्शन डी 0। अ फेयर डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार फेंक दिया जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर लेस देन 5, लेस देन 5 कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं, कितने, और 4 है और क्या है बस। ठीक है ये 1 तो नहीं होता ना, वन बाई सिक्स। ठीक है मैं आंसर देख लेता हूँ एक बार। अरे ये गलत कर दिया इन्होंने, द आउटकम्स आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, आउट ऑफ दीज 4 इज द ओनली कंपोजिट नंबर विच इज लेस देन 5। ठीक है 4 इज द ओनली कंपोजिट नंबर विच इज लेस देन 5, तो एक ही तो नंबर हुआ, इन्होंने गलती से 4/6 लिख दिया उसको, 4 है ना अकेला, वो नंबर ही लिख दिया इन्होंने, वो गलत है उनकी काउंटिंग। हाँ उनकी काउंटिंग होनी चाहिए थी ना, तो वो गलत है, हमारा ठीक है 1/6। क्वेश्चन सर सर नंबर, हाँ जी बोलिए। प्रोबेबिलिटी सर, प्रोबेबिलिटी में मीन मीडियन मोड भी आएगा? में मीन मीडियन मोड नहीं आएगा भाई, वो तो स्टैटिस्टिक्स में है। सर इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं उसके। सर अच्छा एक मिनट, पालकी है तुम्हारा मैसेज मैंने अभी पढ़ा, कौन से क्वेश्चन के लिए बोल रहे हो दोबारा बता दो। इससे पहले वाला बता रहा हूं अभी, एक मिनट रुको। मीन मीडियन मोड इन्होंने वैसे ही दे दिया होगा बेटा, स्टैटिस्टिक्स का है वो, तो ओके इसमें तो सर, है ही नहीं, प्रोबेबिलिटी में नहीं है वो। एनसीईआरटी में स्टैटिस्टिक्स में दे रखा होगा, हाँ प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में मीन मीडियन मोड नहीं है वो, वैसे ही गलती से ना जल्दी जल्दी में जब होता है ना पब्लिशर्स में कंपटीशन होता है, मेरे को पहले बुक निकालनी है, मेरे को पहले बुक निकालनी है, उसमें हो गया होगा। अच्छा इससे पहले वाला कह रहे हो ना, इससे पहले वाला क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है पालकी, छोड़ दो, इससे पहले वाला क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, वो सिलेबस में नहीं है, वो उसने पूछा था इसलिए बता दिया मैंने। ठीक है अच्छा 39 देखते हैं, अ लेटर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट्स,
A letter is chosen at random from the English alphabets. Full stop. Find the probability that the letter chosen that the letter chosen succeeds V. ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है 2/13, फिर है 5/26, ऑप्शन सी है 1/26, और डी है 1/2. बिल्कुल ठीक है भाई, टोटल अल्फाबेट्स होते हैं 26 और वी के बाद क्या आता है, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 4/26, तो 2 2s are 4 और 2 13s are 26, तो 2/13 हो गया. ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, क्लियर है? आदित्य, गरिमा, इंदर, इशिता, पालकी, प्राजक्ता, विदिशा, सभी को क्लियर है? यस सर. यस सर. चलिए जी ठीक है. आदित्य, आज आवाज आ रही है? यस सर. ओके, चलो जी. 39 के बाद में 40 है ना. सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2, छोड़ रहा हूं मैं इसको. इन टॉसिंग अ डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर और अ नंबर लेस देन 4, ये भी छोड़ रहा हूं मैं. इफ अ डाई इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन 3? लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन 3, ये कौन सा नंबर हो सकता है? 0, 0 ही हो गया. इफ अ डाई इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन, ठीक है. A die is thrown once, the probability of getting a prime number, छोड़ दिया उसको. We, a card is selected from a deck of 52 cards, the probability of it is being a red face card. Red face cards कितने होते हैं? Red face cards. Six. भाई तीन तो हो गए heart के और तीन हो गए diamond के, तो total 6 हो गए. 6/52, ठीक है. अगला है, when a die is thrown, the probability of getting an odd number less than 3. वन ही तो होता है, odd number less than 3, तो 1/6. A card is drawn from a deck of 52 cards. The event E is that card is not an ace of hearts. The number of outcomes favorable to E is card is not an ace of hearts. ये क्वेश्चन नोट कर लो. Card is drawn from a deck of 52 cards. Full stop. The event E is that is that card is not an ace of hearts, is not an ace of hearts, full stop. The number of outcomes favorable to E is the number of outcomes favorable to E is, option A है 4, option B है 13, अब ये question हमारा करने का purpose क्या है, कि यहाँ पर probability नहीं पूछ रहे, वो number of outcomes पूछ रहे हैं. C है 48, D है 51, बताओगे? 51,
क्योंकि एस ऑफ हार्ट, हार्ट का इक्का तो एक ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया 46 के बाद देखते हैं 47। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400 इज 0.035, ठीक है, ये देख लो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400 इन अ लॉट ऑफ 400 इज 0.035 इज 0.035 फुल स्टॉप। द नंबर ऑफ बैड एग्स इन द लॉट इज, द नंबर ऑफ बैड एग्स इन द लॉट इज, अब चार ऑप्शन 7, 14, 21, 28। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग, एक खराब अंडा मिले इन अ लॉट ऑफ 400 एग्स, तो टोटल नंबर ऑफ एग्स 400 हो गए, बैड एग्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एग्स, इसी से तो हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी। और प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, एक बैड एग चूज करने की प्रोबेबिलिटी 0.035, तो नंबर ऑफ बैड एग्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ एग्स, बल्कि यहां पर लिखे ऊपर नंबर ऑफ बैड एग्स, टोटल नंबर ऑफ एग्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नंबर ऑफ बैड एग्स इज इक्वल टू 0.035 × 400। पॉइंट गया तो नीचे 1, 2, 3, 3 0, 2 0 से 2 0 कट गए, 4 5 20, 4 3 12 और 2 14 हो गया, 140, 0 से 0 कट गया, 14 14x हो गए खराब वाले। Probability of getting an even number on throwing a die is, छोड़ दो इसको, मैं कर कुछ नहीं है इसमें। If a die is thrown once, the probability of getting a number less than 3 and greater than 2, 0. In a throw of a die, the probability of getting an odd number less than 6, कर लेना अपने आप। The probability of throwing a number greater than 2 with a fair die, ये भी हो जाएगा। From a well shuffled pack of cards, a card is drawn at random. Find the probability of getting a black queen. ये भी हो जाएगा। A bag contains 4 red and 6 balls. Getting a black ball. A bag contains, सुन लो ऐसे, ये भी orally. A bag contains 4 red and 6 black balls. एक bag है, उसके अंदर 4 red और 6 black balls हैं. तो total number of balls कितनी हो गई, 10. ठीक है. A ball is taken out of the bag at random, find the probability of getting a black ball. तो black ball थी 6, total balls 10, 6 upon 10, ठीक है, 6 upon 10 हो गया। अगला देखिए, a bag contains 4 red, 5 black and 3 yellow balls. A ball is taken out of the bag at random, find the probability that the ball taken out is of yellow color. सारी number of balls को add करो और ऊपर लिखेंगे yellow balls. तो 3 है yellow balls और total है 4 + 5 + 3, ठीक है, तो 3 upon 12 हो जाएगा। अच्छा, a die is thrown once, find the probability of getting a number greater than 5, छोड़ रहा हूँ इसको मैं। a die is thrown once, find the probability of getting a number less than 5, भी छोड़ रहा हूँ। a card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards, what is the probability that it is an ace of spade, ace of spade तो एक ही होता है ना, हुक्म का इक्का, तो 1/52। in 1000 lottery tickets there are 50 prizes to be given, find the probability of Manish winning a prize who bought one ticket, ये करते हैं।
इन 1000 लॉटरी टिकट्स in 1000 lottery in 1000 lottery tickets there are 50 prizes to be given There are 50 prizes to be given. Find the probability of Manish winning a prize. Find the probability of Manish winning a prize who bought one ticket option A hai 1 upon 10 ऑप्शन बी है 1 अपॉन 100 ऑप्शन सी है 1 अपॉन 1000 और ऑप्शन डी है 1 अपॉन 20 बताइए कौन सा सही होगा डी कैसे उसने तो एक ही टिकट खरीदा है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 50 है प्राइस 50 है तो फिर 1 अपॉन 20 कैसे हो गया डी कैसे हो गया सी कैसे हो गया एक टिकट खरीदा है 1000 टोटल लॉटरी टिकट्स हैं यही सही है डी ही सही है अब समझिए कैसे प्राइस जो है हमें ये देखना है कि टिकट तो हर कोई एक ही खरीदेगा ना अब प्राइस कितने हैं 50 हैं तो उन 50 में से एक मनीष भी हो ठीक है उन 50 में से एक मनीष का भी टिकट आ जाए टोटल टिकट कितने हैं 1000 तो 50 upon 1000 ठीक है ना विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है विनिंग की कि कोई भी बंदा जीते उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 50 upon 1000 ठीक उन 50 में से एक मनीष भी होगा तो 50 upon 1000 होगा भाई ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं सबको समझ में आ गया यस सर ना 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 आउटकम्स तो ये तो वो है ये तो इवेंट है जैसे एक बात बताओ कि मैंने एक डाई फेंकी अब हमसे ये कहा जाता है कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ तो इवन नंबर तो तीन हो गए ना इवन नंबर तो तीन हो गए तो एक बार डाई फेंकी मैंने तो एक ही तो नंबर आएगा उन तीन में से एक ही तो आएगा ठीक ऐसा थोड़ी है कि वो तीनों ही आ जाएंगे तो हम ये कहेंगे आइदर दिस और दिस और दिस और अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 तो टोटल 1000 लॉटरी के टिकट है अब लॉटरी का ड्रॉ कैसे निकाला जाता है उसमें से एक एक करके टिकट निकाले जाते हैं ठीक है अब वो 50 है उन 50 में से कोई एक ही तो आएगा वो ही मनीष का आ जाए तो इसलिए टोटल प्राइजेस जो है वो प्राइजेस वाले जो है ना उस पर स्टार बना रहता है या लिखा रहता है फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज थर्ड प्राइज वो लिखा रहता है तो उसमें से हमने एक टिकट निकाला उस टिकट पर मनीष का नंबर लिखा हुआ था तो वो टिकट जो है वो विनिंग वाले टिकट्स में से होना चाहिए विनिंग टिकट्स 50 है तो 50 अपॉन टोटल नंबर ऑफ टिकट्स 1000 ऐसे ये जो है ना ये गेम खेलते हैं बड़ा क्या कि ये वन टिकट लिख दिया यहाँ पर लास्ट में ताकि बच्चा 1 upon 1000 और 1 upon 20 में कंफ्यूज हो जाए ठीक है इसीलिए तुमने 1 upon 1000 बोला वो आउटकम्स क्या लेने चाहिए तो आउटकम्स हमेशा वही होगा आप ये सोचो कि लॉटरी है तो लॉटरी क्या होता है लॉटरी में एक बड़ा सा बॉक्स होता है उस बॉक्स में बहुत सारे टिकट्स होते हैं
उन टिकट्स में से एक टिकट निकालना है बस। तो जितने टिकट्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड जो होंगे, वही हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे। ठीक है, बताओ भाई ऑनलाइन वाले सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, अच्छा एक मिनट रुको मैं पानी पी लूँगा। हाँ जी हाँ जी, एक मिनट रुकिए बस, अभी आ रहा हूँ। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये था हमारा 59 है। आउट ऑफ वन डिजिट प्राइम नंबर्स, वन नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एन इवन नंबर इज। आउट ऑफ वन डिजिट प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 2, 3, 5 और 7, चार हैं। उसमें इवन नंबर कौन सा है? 2, तो वो टोटल चार आए थे और ये एक नंबर है, तो 1/4। If in a lottery there are 5 prizes and 20 blanks, याद रखना 5 prizes and 20 blanks, blanks का मतलब क्या है कि total 25 lottery के टिकट है, 20 पर कोई prize नहीं है, ऐसे खाली पड़े हुए हैं, 5 पर लिखा हुआ है first prize, second prize, third prize, ऐसे लिखा हुआ है, तो total lottery tickets कितने हो गए? 25। total lottery tickets, lottery के टिकट prize 5 पर है, ठीक है भाई, बाकी के 20 तो ऐसे ही है, है ना, लेकिन है total 25। then the probability of getting a prize क्या हो जाएगा? 5/20, समझ गए कि जो प्राइज वाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज, प्राइज तो एक ही मिल रहा है ना, और 5 पर है प्राइज, तो हम तो एक प्राइज की बात कर रहे हैं, अब वो फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी प्राइज हो, कैसा भी हो, प्राइज तो उन 5 में से ही निकल के आएगा, तो 5/20 हो गया, 5/25 सॉरी, क्योंकि 5 पर प्राइज था और 20 ब्लैंक्स थे, तो टोटल 25। Two dice are thrown together. The probability that sum of the two numbers will be a multiple of 4. Sum of two numbers will be a multiple of 4. ये देख लीजिए जी, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61। Two dice are thrown together. Two dice are thrown together. Two dice are thrown together. Full stop. The probability that sum of the two numbers The probability that sum of the two numbers will be a multiple of 4 is 4 is option A है 1/2, option B है 1/3। ऑप्शन सी है 1/8 और डी है 1/4। टू डाइस आर थ्रोन टूगेदर, दो डाइस हैं, उनको एक साथ फेंका जाता है। द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द टू नंबर्स विल बी अ मल्टीपल ऑफ 4, सम ऑफ टू नंबर्स तो क्या हो सकता है, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, तो 1 वाली सीरीज में तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 4 का मल्टीपल हो, या कोई है 1, 3, 1, 3, तो आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे पहले तो ये बता दो, 36। ठीक है, जब दो डाइस फेंकी जाती है टोटल आउटकम्स 36, फिर मैं देखूंगा फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब जो मैं चाहता हूँ वो वाले आउटकम्स कौन कौन से हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स देखते हैं जरा। एक तो हो गया बेटा 1, 3, 1 दोनों का सम क्या हो गया,
पहली डाइस पर वन आ गया, दूसरी डाइस पर थ्री आ गया, तो दोनों का सम क्या हो गया, वन प्लस थ्री फोर, तो फोर फोर का मल्टीपल हो गया, फिर वन फोर होगा, वन फाइव होगा, वन सिक्स होगा, तो वन सिक्स भी वन प्लस सिक्स सेवन होता है, तो वो भी फोर का मल्टीपल नहीं है। फिर टू वन, टू थ्री, टू फोर, टू फाइव, टू टू, हाँ टू टू हो गया, फिर टू सिक्स हो गया, ठीक है। ऐसे ही थ्री की बात करें तो थ्री वन और थ्री फाइव, फोर की बात करेंगे तो फोर फोर, बस फाइव थ्री, नहीं वो कोई बात नहीं, एक बार पहली डाइस पर थ्री आया था, दूसरी पर फाइव, एक बार पहली पर फाइव आया, दूसरी पर थ्री, तो फाइव थ्री, ठीक है। सिक्स सिक्स नहीं, सिक्स टू और सिक्स थ्री, सिक्स सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, रिक्वायर्ड नाइन अपॉन 36, नाइन वन जा नाइन फोर जा वन अपॉन फोर, ऑप्शन डी, ठीक है जी, क्लियर। चलिए जी, कितने हैं इसमें टोटल क्वेश्चन, इनकी फोटो भेज दूं आप लोगों को, ट्राई कर लेना, ट्राई क्या पढ़ते चले जाना, जो थोड़ा बहुत आपको लगे टफ वो कर लेना क्वेश्चन, क्योंकि ये तो फिर सारे ऐसे ही हैं, 137 दे रखे हैं क्वेश्चंस। ठीक, मैं दे देता हूँ, कोई डाउट आए कल पूछ लेना, ठीक, और फिर फिनिश करते हैं इसको, कुछ है तो है नहीं इसमें, और एक संडे मंडे वाला क्वेश्चन है, अगर आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता तो मैं करा दूं। संडे मंडे वाला क्वेश्चन याद है, मतलब करा है, ध्यान है? हाँ, एनी डे वाला नहीं, कि एक लीप ईयर में 53 संडेज हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, 2/7 आती है प्रोबेबिलिटी उसकी। चलो ठीक है, मैं कल बताता हूँ। देखो ये ऐसे है कि वो ये पूछते हैं, ये क्वेश्चन है बड़ा, मतलब फेमस क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है 10th में और एनसीईआरटी का क्वेश्चन, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन अ ईयर, है ना, नॉर्मल ईयर, अगर ईयर है तो 365 डेज है। अच्छा संडे कितने होंगे, वैसे अगर देखा जाए नॉर्मली तो हम क्या करेंगे, ये 365 है, कई बार वो लीप ईयर भी दे देते हैं, लीप ईयर होगा तो 366, 365 को 7 से डिवाइड कर दो तो हमें ये पता चल जाएगा नंबर ऑफ वीक्स कितने, जितने वीक्स होंगे संडे तो उतने ही होंगे, तो 7 5 जा 35, 36 माइनस 35 कितना हो गया 1, 15, 7 2 जा 14, रिमाइंडर क्या आया 1, ठीक है। सोचो कि लीप ईयर होता तो रिमाइंडर क्या आता टू, तो भाई 52 संडेज को तो भूल ही जाओ, 52 तो आएंगे ही आएंगे। वो ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ लीप ईयर देयर आर 53 संडेज, 53 संडेज मतलब 52 तो है ही है, 53 आ जाए संडे तो कैसे आएंगे, हमारे पास कितने दिन बचे, 2 दिन बचे, 52 तो हफ्ते हो गए पूरे के पूरे, वीक्स हो गए 52, है ना, तो 52 तो वीक्स हो गए। अब मेरे पास केसेस क्या बनेंगे सुनो, जो बचे हुए 2 दिन हैं वो क्या हो सकते हैं, या तो संडे मंडे, या फिर मंडे ट्यूसडे, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे, जो बचे हुए दिन होंगे, अगर मेरे पास 2 दिन बचे हुए हैं तो वो कंसिक्वेंटली तो डेज होंगे, ऐसा थोड़ी है कि मेरे पास सैटरडे और थर्सडे बच जाए, नहीं ना, एक के बाद एक आने वाले दिन वो होंगे, तो या तो संडे मंडे, या मंडे ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेडनेसडे, या वेडनेसडे थर्सडे, या थर्सडे फ्राइडे, या फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे, और अगला तो फिर वही संडे मंडे आ जाएगा, तो कितने कॉम्बिनेशन है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें संडे कहाँ कहाँ पर आ रहा है, यहां पर और यहाँ पर, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इसकी 2/7 हो गई, ठीक है। और जब वो नॉर्मल ईयर में पूछते हैं तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 1/7, 1/7, क्योंकि उसमें जोड़ा नहीं होगा, डेज का जोड़ा नहीं होगा उसमें, ये होगा संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो
संडे तो एक ही बार आ रहा है ना, 1 मई से ये होता है।